जिंदगी आखिरकार रुला ही देती है, फिर चाहे हम अपने माँ बाप के कितने ही लाडले क्यों ना हों। वालदेन की रोक टोक भी एक नेमत है, वरना औलाद जलील और रसवा हो जाती है। जिंदगी में कोई खुशी, कोई रिश्ता, कोई जज्बा कभी मुस्तकिल नहीं होता, इनके पांव होते हैं हमारा सलूक और रवैया देख के। कभी ये भाग कर करीब आ जाते हैं और कभी आहिस्ता आहिस्ता दूर चले जाते हैं। अल्लाह के दिए हुए में से दिया करो, तुमने कौन सा अपने पले से देना होता है। इंसान पर कई तरह का बोझ होता है, हमारे ऊपर सबसे बड़ा बोझ तकब्बर का होता है, और हम ये जाने बगैर कि अल्लाह के नज़दीक कौन बड़ा है और कौन घटिया, फैसले खुद ही करते रहते हैं। एक दिन हम एक दूसरे को ये सोच कर को देंगे कि जब वो याद नहीं करता तो मैं क्यों उसे याद करूं। अगर तुम नेकी, पाकीज़गी और तकवा के बग़ैर खुदा का नाम लेते हो तो फिर खुदा एक नाम ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हम में से हर एक दूसरे पर यह साबित करना चाह रहा होता है कि मैं तुमसे ज़हानत के आला दर्जे पर फ़ायज़ हूँ और ज़्यादा मालूमात रखता हूँ, और तुम तो बेबस ऐसे ही हवा और तुम्हारा कोई हाल नहीं है। खूनी रिश्ते वो विटामिन्स हैं जिनके बगैर जवानी तो गुजर जाती है लेकिन बुढ़ापा नहीं गुजरता। खिदमत एक ऐसी चीज़ है जो अना की दीवारें गिरा देती हैं और इंसान को उसके बातिन से हम कलाम कर देती हैं। इंसान दूसरों को जो सबसे बड़ा तोहफा अता कर सकता है वो वक़्त है, उससे कीमती तोहफा इंसान को दे ही नहीं सकता। नेकियां करते जाओ, दरिया में डालते जाओ, जब कभी ज़िंदगी तूफ़ान आया तो यही नेकियां कश्ती बन जाएंगी। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने कीमती राय का इजहार ज़रूर फरमाएँ। जज़ाकअल्लाह।